कल रात झारखंड में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद चंपई सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। साथ ही राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा। मुलाकात के बाद चंपई सोरेन ने बताया कि राज्यपाल ने उन्हें जल्द वक्त देने का भरोसा दिया। गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं और मौजूदा सरकार में परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री थे। विधायक दल का नेता मनोनीत होने के बाद उन्होंने आदिवासी और गरीबों के हक में लड़ाई जारी रखने की बात कही। कर्ण में हम संघर्ष और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। गुरु जी मेरा आदर्श है। इससे पहले कयास लगाया जा रहा था कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सीएम बन सकती हैं, लेकिन विधायकों की बैठक के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कल सुनवाई होगी। एक दिन पहले ईडी ने जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन की ओर से गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर कल सुनवाई होगी। इससे पहले अपनी गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने एक पोस्ट के जरिए अपने इरादों के बारे में बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। एक दिन पहले करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा देने का फैसला किया और उन्होंने ईडी के अफसरों के साथ ही राजभवन जाकर इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि नए नेता यानी चंपई सोरेन के नेतृत्व में सभी विधायक माननीय राज्यपाल के समक्ष जाकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और अपनी एकता का परिचय देते हुए नई सरकार के गठन होने तक सभी विधायकों को रांची में ही रहने की नसीहत दी। चिट्ठी में आखिर में हेमंत सोरेन विधायकों से भावुक अपील करते हुए उनके परिवार वालों की देखभाल करने की बात कहते हुए नजर आए। हेमंत सोरेन ने लिखा कि उनकी गैरहाजिरी में उनके परिवार, उनके पिता शिबू सोरेन और बीमार माता का ख्याल रखें। साथ ही उन्होंने लिखा कि पार्टी के विधायक उनके छोटे भाई पर भी स्नेह बनाए रखें। जमीन घोटाला मामले में करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी के अफसरों ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने षड्यंत्र के तहत खुद की गिरफ्तारी का आरोप लगाया। सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया, और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं। हेमंत सोरेन ने कहा कि वो शिबू सोरेन के बेटे हैं और ऐसी कार्रवाइयों से वो डरने वाले नहीं हैं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इस दौरान हेमंत सोरेन ने किसी भी घोटाले से साफ इनकार किया। कहीं सबूत नहीं मिला, दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में बिहार राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ, अब झारखंड को भी शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना को कमान देने की बजाय चंपई सोरेन को क्यों चुना? इस फैसले के पीछे कई बड़ी वजह है। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी चेहरा माने जाने वाले चंपई के नाम पर गठबंधन में शामिल कांग्रेस को भी कोई एतराज नहीं है। और बड़ी बात यह है कि चंपई का नाम आगे कर हेमंत सोरेन ने परिवार में बगावत को भी दबा दिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के नाम पर उनकी भाभी सीता सोरेन तैयार नहीं थी और अपना दावा ठोक रही थी। सबसे अहम बात यह है कि चंपई सोरेन झारखंड के कोल्हान इलाके से आते हैं, जहां बीजेपी का दबदबा माना जाता है। बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा और रघुवर दास कोल्हान इलाके से ही चुनकर आए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव कोल्हान इलाके की 13 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जिसके चलते रघुवर दास सरकार को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। ऐसे में चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर कोल्हान इलाके में जेएमएम को चुनावी फायदा मिल सकता है। मजदूर आंदोलन से निकलकर राजनीति में उतरने वाले चंपई सोरेन को उनके तेवरों के लिए टाइगर के नाम से जाना जाता है। चंपई सोरेन 6 बार विधायक रहे हैं और अब तक के राजनीतिक करियर में सिर्फ एक बार साल 2000 में बीजेपी के उम्मीदवार से हारे थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद
देश की सियासत गर्मा गई। इंडिया गठबंधन में शामिल कई दल हेमंत सोरेन के समर्थन में उतर आए और उन्होंने ईडी की कार्रवाई के बहाने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि झारखंड की लोकप्रिय सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। तो वहीं लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, बीजेपी ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हेमंत सोरेन को झारखंड का साहसी योद्धा बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बीजेपी कहीं सरकारें गिरा रही है, कहीं चयनित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रही है और कहीं मतपत्रों में जालसाजी कर अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है। इंडिया गठबंधन में शामिल कई और दलों के नेताओं ने भी हेमंत सोरेन पर कार्रवाई के बहाने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ईडी के जरिए विपक्ष के नेताओं को डराने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक उत्पीड़न की राजनीति में विश्वास करती है। मोदी सरकार के दो भाई हैं ईडी और सीबीआई, और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ हुआ, ममता जी के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने केंद्र सरकार पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री को परेशान करने का आरोप लगाया। हमारे नेता के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया है वो झकझोरने वाला है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, तमाम झारखंड के लोग इस अपमान का बदला लेंगे। विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सभी को जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई के बाद विपक्ष के हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ईडी ने कानून के तहत और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि घोटालेबाजों की जगह जेल में है। राजनीतिक क्षेत्र में स्वच्छता अभियान ये सफल हो जाएगा तो हमारा निश्चित मत है पूरे देश के अंदर पूरा देश जो है स्वच्छ हो जाएगा। और क्या नाम है, ईडी की जो कार्रवाई है बिल्कुल सही है। वही बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि बिना सबूत ईडी कार्रवाई नहीं करती। बहुत दिन से हेमंत सोरेन का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, कोई ठोस सबूत जरूर मिला, एजेंसी का हाथ में लग गया, इसलिए एजेंसी उनको गिरफ्तार किया। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद रांची से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। जहां विपक्ष केंद्र पर लगातार हमलावर है वहीं बीजेपी ईडी की कार्रवाई को सही ठहराती नजर आई। भारत के समुद्री क्षेत्र की निगरानी के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नौसेना का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INS संधायक 3 फरवरी को विशाखापट्टनम के तट पर तैनात कर दिया जाएगा। दिसंबर महीने में ही इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। ऐसे 3 और सर्वेक्षण पोत आने वाले दिनों में नौसेना में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज फिर शुरू हुई। आज राहुल की यात्रा का 19वां दिन है। कल तक बंगाल में रहने के बाद 3 फरवरी को उनकी यात्रा झारखंड में प्रवेश करेगी। बिहार में 12वीं की परीक्षाओं के पहले दिन कई केंद्रों में हंगामा देखने को मिला। भागलपुर में देर से पहुंची छात्राओं को जब एंट्री नहीं मिली तब उन्होंने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। मुंगेर में भी देर से आए छात्रों को रोकने पर हंगामा हुआ। मौसम में बदलाव के बाद कटरा में वैष्णो देवी के दरबार के पास बर्फबारी हुई, जिसके बाद पहाड़ों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आने लगी। बर्फबारी के बीच हजारों भक्तों ने माता के दर्शन किए। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद देर रात ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दी गई। दिन में कोर्ट का फैसला आया और उसके कुछ ही घंटों बाद ही प्रशासन हरकत में आ गया, जिसने सबसे पहले वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और ज्ञानवापी परिसर के आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया और वहां आने जाने वाले हर रास्ते पर निगरानी को कड़ा कर दिया गया। इस दौरान जहां भी नजर गई वहां पूरे बंदोबस्त के साथ पुलिस बल के जवान तैनात नजर आए। इसके बाद प्रशासन ने व्यास जी के तहखाने के बाहर लगे बैरिकेड को हटाकर वहां से अंदर जाने का रास्ता बनाया और देर रात पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया गया। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें दिखा कि पुलिस वालों की मौजूदगी में वहां तहखाने में पूजा की गई, जिसमें कोर्ट के आदेश के मुताबिक काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी और व्यास परिवार के सदस्य ही शामिल थे। व्यास जी के तहखाने में पूजा कराने से पहले वहां हर कोने की साफ सफाई कराई गई और उसके बाद वहां मौजूद मूर्तियों का शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर भी वहां मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारियों और व्यास परिवार के सदस्य ने वहां 31 साल बाद एक बार फिर से पूजा अर्चना की। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया,
कोर्ट आर्डर, कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट किया गया। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम पूरे होने का दावा भी किया। ऑर्डर के इंतजाम है पूरे, सुरक्षा की व्यवस्था है, अधिकारी ड्यूटी पर है और अच्छी व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पूरे वाराणसी में अलर्ट भी जारी कर दिया। साथ ही पूजा के बाद किसी भी तरह का तनाव वहां न फैले इसे ध्यान में रखते हुए पहले ही दाल मंडी इलाके को भी बंद कर दिया गया। Z News.